हेलो दोस्तों, अब पीलिया यानी जॉन्डिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआती लक्षणों में इसकी पहचान ज़रूरी है। अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे पीला डेंजरस हो जाता है और मरीज़ को इसके गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीला यानी जॉन्डिस क्या है, ये क्यों होता है, जॉन्डिस होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और जानेंगे कि किन घरेलू इलाज से जॉन्डिस के मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे जॉन्डिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसे आप जॉन्डिस के हर स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से जॉन्डिस के मरीज़ के लक्षणों में काफ़ी सुधार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे खून में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाने के कारण मरीज़ की स्किन, नाखून और आँखों का सफ़ेद हिस्सा पीला दिखाई देने लगता है। पीले से पीड़ित मरीज़ का समय पर इलाज ना हो तो मरीज़ लंबे समय तक जॉन्डिस की तकलीफ़ को झेलना पड़ता है और कई बार ये तकलीफ़ मरीज़ के लिए जानलेवा भी हो जाती है। इस बीमारी में मरीज़ का लीवर कमज़ोर होकर काम करना बंद कर देता है। वैसे हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पीले का इलाज है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथिक में इसका रामबाण इलाज है। दवा के साथ साथ घरेलू इलाज भी इस बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारे जिस्म में बिलीरुबिन की ज़्यादा मात्रा होने से लीवर के काम करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बिलीरुबिन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे मरीज़ को पीलिया हो जाता है। बरसात के मौसम में पीने के पानी और खाने के पदार्थ अक्सर प्रदूषित हो जाते हैं, जिसका सेवन पीला होने का कारण बनता है। आइए जानते हैं पीला करने वाले बिलीरुबिन नाम की आखिर ये चीज़ क्या है। बिलीरुबिन ये पीले रंग का पदार्थ होता है जो ब्लड सेल्स में पाया जाता है। लीवर इनको ब्लड से फिल्टर कर देता है, लेकिन लीवर में अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो लीवर इस प्रोसेस को सही ढंग से नहीं कर पाता है और मरीज़ के जिस्म में बिलीरुबिन पड़ने लगता है। इसी के चलते मरीज़ की त्वचा पीली नज़र आने लगती है। लीवर में गड़बड़ी के कारण बिलीरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है और मरीज़ पीला दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ जैसे कि हेपेटाइटिस, पैनक्रियाटिक कैंसर, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन, सड़क किनारे की खुली चीज़ों का खाना, दूषित खाना, गंदा पानी पीना और कुछ दवाइयों के चलते भी मरीज़ को पीला हो सकता है। आइए बात करते हैं पीलिया के मरीज़ में पाए जाने वाले लक्षणों के बारे में। इसमें मरीज़ की स्किन, नाखून और आँख का सफ़ेद हिस्सा तेज़ी से पीला होता है। मरीज़ को बुखार आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसमें मतली आना, पेट दर्द, भूख न लगना और खाना हजम ना होना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। वहीं मरीज़ का वज़न घटना, गाढ़ा पीला पेशाब होना, मरीज़ को लगातार थकान महसूस करना पीलिया के लक्षण में शामिल हैं। पीलिया जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू इलाज के बारे में जिसके इस्तेमाल से जॉन्डिस के मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित है। इसमें सबसे पहले आता है गन्ने का रस। ये पीले के मरीज़ को बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में 3 से 4 बार सिर्फ गन्ने का रस पिया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। वहीं सत्तू खाकर गन्ने का रस सेवन किया जाए तो हफ्ते भर में पीला ठीक हो सकता है। गेहूँ के दाने के बराबर सफ़ेद चूना गन्ने के रस में मिलाकर सेवन किया जाए तो जल्द से जल्द पीला दूर हो जाता है। वहीं गिलोय और पपीता भी जॉन्डिस के मरीज़ के लिए अच्छा है। गिलोय का रस शहद में मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीला कम होता है। इसके अलावा कच्चे और पके पपीते का सेवन भी पीले के मरीज़ के लिए एक फ़ायदेमंद होता है। जॉन्डिस के मरीज़ को कच्चे पपीते से बनी सब्ज़ी भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का मसालों का इस्तेमाल ना किया जाए। इन चीज़ों के साथ साथ पीले के रोगों के मरीज़ को खाने में दही का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद होता है। आप ज़ीरा और सेंधा नमक अपने ख्वाहिश के हिसाब से मिलाकर इसके साथ ले सकते हैं। इसके अलावा पीलिया के मरीज़ को सुबह शाम एक एक गिलास छाछ या मट्ठा देकर भी आप इसे पीला कम कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं जॉन्डिस होने पर क्या ना करें। पीलिया के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपनी डेली लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव लाएँ। बाहर का खाना ना खाएँ, एक साथ पूरा खाना ना खाएँ, थोड़ी थोड़ी देर पर खाना खाएँ, ज़्यादा मिर्च मसालेदार तला भुना खाने से बचें, मैदे की चीज़ें तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, दाल और बीन्स अपने खाने में रोक दें, ये लीवर पर ज़्यादा बोझ डालती है। वहीं हार्ड वर्क करने से बचें, शराब को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, पीने में ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे कि अचार खाने से बचना चाहिए, कॉफ़ी और चाय का सेवन भी रोकना चाहिए।
इसमें मौजूद कैफीन पीलिया को बहुत बढ़ाता है। पीलिया में दाल खाने से परहेज करना चाहिए, इसके आंतों में सूजन हो सकती है। वहीं मक्खन, जंक फूड, मीट, अंडे, चिकन, मछली, पीलिया में कुछ प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि अंडे, मांस लेने से रोकना चाहिए। पीलिया के मरीज के लिए इन सभी चीज़ों को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। आइए अब जानते हैं होम्योपैथिक दवा के बारे में जो जॉन्डिस को ठीक करने और उसकी वजह से होने वाली तकलीफ़ों को कम करने में फ़ायदेमंद है। वो दवा है मेडिसिन कंपनी की जॉन्डिलिया सिरप, जो एसिडिटी, अपच, कब्ज, फैटी लीवर, पीले की समस्या को ठीक करती है, साथ में भूख को बढ़ाती है। ये दवा लीवर और गैस्ट्रिक शिकायतों को भी कम करती है। पीले के मरीज में इसके सेवन की सलाह अक्सर दी जाती है। जॉन्डिस रोगों को ठीक करने के साथ साथ ये दवा पाचन शक्ति को भी मजबूत करती है और भूख को भी बढ़ाती है। इसमें कई सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली है जो कि लीवर पर अच्छा काम करती है और लीवर से जुड़ी हर बीमारी को दूर करती है। आइए समझते हैं मेडिसिन की जॉन्डिलिया सिरप में मिलाई गई दवाइयों के एक एक इंटीग्रेंट्स के बारे में। इसका सबसे मेन इंटीग्रेंट्स है कार्डास मारिनस 2X। ये दवा लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों पर अच्छा काम करती है। मतली होना, हरे रंग की उल्टी होना, भूख में कमी के लक्षण में सुधार करती है। पित्ते की पथरी को ये दवा गलाती है। इसमें पीलिया के सभी लक्षणों में राहत मिलती है। इस दवा का दूसरा इंटीग्रेंट है कैरेका पपैया 2X। ये दवा पपीते से बनाई जाती है। पेट की बीमारी के साथ साथ लीवर की समस्याओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि पेट का फूलना, पेट में जलन महसूस होना, गले में जलन, खट्टी डकार के साथ भोजन के बाद पेट में गड़बड़ी के लिए दवा बहुत फ़ायदेमंद है। सामान्य कमजोरी के साथ साथ पेट में ढीले पानीदार पीले रंग का मल और ऐठन वाले दर्द में भी दवा फ़ायदेमंद है। इस दवा का तीसरा इंटीग्रेंट्स है चिलिडोनियम 1X, जो पीलिया की सबसे उत्तम दवा है। लीवर की सभी शिकायतों के साथ पूरी त्वचा का पीलापन इस दवा से ठीक होता है। गॉल ब्लैडर की पथरी में भी ये दवा राहत दिलाती है। इस दवा का चौथा इंटीग्रेंट्स है चियोनंतस वर्जीनिया 1X। ये दवा पीला और पित्ते की पथरी के साथ साथ फैटी लीवर को भी ठीक कर सकती है। इस दवा का पाँचवा इंटीग्रेंट्स है एंडोग्राफिक पेनिशुला, जिसे आम जबान में कालमेघ भी कहा जाता है। ये लीवर को सहारा देने और मजबूत करने में मदद करती है। ये हेपेटोप्रोटेक्टिव दवा साबित हुई है। और इसका पांचवा इंटीग्रेंट्स है मैरिका सेरिसिफेरा 1X। ये दवा दिल की शिकायतों के साथ लीवर में दर्द के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस दवा के डोज के बारे में। इस दवा को बड़ों में 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले देने चाहिए। वहीं छोटे बच्चे में इस दवा को 5 ml दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले देने चाहिए। मेडिसिन की जॉन्डिलिया सिरप मुख्य काम लीवर पर है, जो एसिडिटी, अपच, फैटी लीवर, पीलिया की समस्या को ठीक कर सकती है। साथ में ये भूख को भी बढ़ाती है। आइए अब जान लेते हैं इस दवा की कीमत के बारे में। इसकी 125 ml की पैकिंग आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप में मात्र 91 rupees यानी 91 rupees में मिल जाएंगी। वहीं 200 ml की पैकिंग इसके आपको 150 rupees के आसपास मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जॉन्डिस से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपके मन में जॉन्डिस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।